चटनी नहीं है तो पानी है बहन। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज के व्लॉग में हम जा रहे हैं शिकारी माता, जो कि मंडी में है और यहां से अराउंड 126 किलोमीटर है। तो आज जो मेरे साथ आ रहे हैं वो हैं शुभम, साहिल और मुकेश भाई, और जो अभी वीडियो शूट कर रहे हैं वो हैं हनीश भाई। दिखाता हूं मैं उनको। हेलो गाइस, हम जा रहे हैं शिकारी टेम्पल। वहाँ पर आपको अच्छी अच्छी जगह मिलेगी दिखने के लिए, और राइडिंग के लिए हमारे पास ये बाइक है हमारी, ये देखिए। बीच बीच में बहुत ही सुंदर जगह आएंगी। 11 बज चुके हैं और मैं सुबह ब्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाया क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका था, तो हम बजौरा आके ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। पनीर पकौड़े पैक करवा लिए हैं और आगे देखेंगे कोई अच्छी सी जगह पे जाके खाएंगे। इन फ्यूचर यहाँ से बन लेन होगा और एक लेन फ्लाई ओवर होके आएगी। ध्यान से जब तक ये कंस्ट्रक्शन का काम चलेगा तब तक रोड की हालत ऐसी रहेगी। तो इस रोड पे बहुत ही ज़्यादा धूल है, हेलमेट में भी कुछ दिखने लायक नहीं रहा है। और जो यहाँ पे टीम देख लिया हमने, पहुँच चुके हैं हड़ोगी टेंपल। पनीर पकौड़े खाएंगे अभी, और से पैक कराए थे लेकिन बाय चांस वहाँ पे खान पाए कुछ 10 किलोमीटर आ गया के खा रहे हैं अपन, ठंडे हो गए। चटनी नहीं है तो पानी है बहन। बोलो खड़े ये और की सबसे फेमस डिश है पनीर पकौड़े, कभी भी आप इस साइड आएंगे तो जरूर खाएं। हालत देख सकते हैं आप, यहाँ देखो बहुत ही ज्यादा धूल मिट्टी है यहाँ। किलोमीटर्स और चलना है शिकारी माता तक पहुंचने के लिए, और शायद ये जो रोड है 51 किलोमीटर ऐसा ही होगा जहां तक मेरे को लग रहा है। मौसम भी ख़राब हो चुका है और अगर बारिश हुई फिर हो जाएगी हमारी हालत ख़राब, क्योंकि यहां पे ना कोई घर है ना कुछ है, सिर्फ जंगल ही है। और यहां पे ठंड बढ़ चुकी है, जो गंदा वाला पैच था वो ख़त्म हो गया, अब रोड बिल्कुल स्मूथ आ गया है। और यहाँ से बाइक चलाने में काफ़ी मज़ा है, जो वहाँ पे था ऑफ रोड ऊपर से कीचड़ और मौसम भी ख़राब होने वाला था, और जैसे ही यहाँ पे पहुँचे मौसम भी ठीक हो गया। किस चीज़ की मशीन है, फिर से कीचड़ की। लैंडस्लाइड हुआ यहाँ पे, तो अभी काम चला है, जैसे क्लियर हो गया यहाँ से छोड़ देंगे, हमें पता नहीं अब कितना टाइम लगेगा यहाँ पर। यहाँ से शिकारी माता टेम्पल अराउंड 13-14 किलोमीटर है, जो कि लगभग आधा ऑफ रोड है। शिकारी माता टेम्पल ऊपर, आठ किलोमीटर बचा है, डब रियल ऑफ रोड स्टार्ट होने वाला है। जो 4-5 किलोमीटर ऑफ रोड के है वो बहुत ही ख़राब है, वो जैसे तैसे हम पहुँच गए हैं और अब 2 किलोमीटर रह गया है। बारिश तो उतनी नहीं आई थी, फिर भी क्या जगह पे कीचड़ है और बाइक बहुत ज़्यादा स्किट हो रही है। तो जो लास्ट के 7-8 किलोमीटर्स थे वो हमारे लिए बहुत टफ हुए, और आज फिर से उंगलियों में पेन स्टार्ट हो गई है। ऐसे भी लिए इतनी थकान तो चलती है, ये लास्ट 2 किलोमीटर काफ़ी सही है। पनीर पकौड़ा और चाय, उसके बाद खाने का प्लान तो था बट हम काफ़ी लेट हो गए थे, 5 बज चुके हैं और पहुंचने वाले हैं, तो हमें रुकने का मौका नहीं मिला। और भूख भी बहुत ज़्यादा लगी है, पता नहीं शायद लंच तो कैंसिल ही है, अब डायरेक्ट डिनर ही होगा। पहले पहुंच जाएं किसी तरह, फिर करेंगे दर्शन माता के।
हम लोग पहुंच चुके हैं शिकारी माता के टेंपल के पास, और अभी यहां से हमें 500 सीढ़ियां चढ़नी है। बहुत ही गंदा ऑफ रोड था। तू बस एक कुछ खाया भी नहीं यार, सिर्फ पनीर पकौड़े खाए पूरे तरीके से। पकौड़े भी हमने बड़ी तारीफ की, मां कुछ था ही नहीं उसमें। चल चल आजा। तो हम आखिरकार पहुंच गए शिकारी देवी मंदिर। ये शिकारी देवी मंदिर का मेन गेट है, और आप यहाँ देख सकते हैं बहुत ही धुंध पड़ी है, आज बहुत ज्यादा थक गए। यहाँ देखिए होश वॉक कर नहीं पाई एकदम है। यहाँ पे बहुत टॉप में आ गया, मौसम भी साफ हो रहा है। अब थोड़ी देर यहाँ पे रेस्ट करते, उसके बाद देखते हैं आगे का प्लान क्या होता है। और ये अपना छोटा सा दोस्त अभी तक हमारे साथ आया है। तो मनीष भाई कैसा लगा आपको यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लगा भाई, यहाँ का जो ट्रैक था ना, मैंने बहुत पहले आने की सोचा था यहाँ कि मैं बहुत पहले आऊँगा, लेकिन कुछ कारण बस नहीं, यहाँ पे आज आ गया बहुत टाइम बाद। चलो अच्छा जैसे भी रहा ट्रैक, अच्छा ही रहा। ठंड यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा है आजकल ही, सर्दी के टाइम तो यहाँ पे आना मुश्किल है। तो यहाँ पे माता का इतिहास लिखा हुआ है, तो 3359 मीटर सी लेवल से इसकी हाइट है। अब जाएंगे हम जहाँ पे हमारा स्टे है, और आज का व्लॉग भी कर लेते हैं एंड, और मिलते हैं कल नेक्स्ट पार्ट के साथ। बाय बाय।